बेटा इसमें हम आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में बताते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता क्या है? देखो सेम रहेगा कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर होंगे उस मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट जो हमारे पास कैटायन और एनायन पार्ट होता है किसी कॉम्प्लेक्स का, जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, तो आप इसमें क्या बताओगे? द कैटायन एंड एनायन पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो कैटायन और एनायन होते हैं तो उनमें जो लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। देखा हो आपने, जैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आप यहाँ पर देखोगे इसमें अमोनिया लिगेंड है, इसमें क्या है? सी एन है, बट इसमें क्या हो गया? साइनो लिगेंड हो गया, और इसमें कौन सा होगा? अमोनिया होगा। तो इसमें जो लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनमें जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके लिगेंड क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए, क्या हो जाए? डिफरेंट हो, मतलब एक दूसरे से क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर।